सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो आईटीआई वाले दोस्तों से मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका था, कुछ आवश्यक काम के जैसे वीडियो होने के कारण। पर गाइस आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हां गाइस, जिन भी लोगों के 23 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है उन सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमिट कार्ड क्या है, कैसे क्या है, सारी बातें एडमिट कार्ड में आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि एडमिट कार्ड में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जानकारी दी गई है। तो आप सभी लोग तुरंत अपने कॉलेज जाएं और अपना अपना एडमिट कार्ड जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना कॉलेज जाके एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि 23 तारीख को पेपर है। अपना स्केल, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर सभी चीज़ें तैयार रखें, क्योंकि उस दिन आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आधार कार्ड वगैरह सब लेके जाना है। उन सभी बातों का ध्यान रखें। कॉलेज जा रहे हैं तो मास्क अवश्य पहन के जाएँ, सैनिटाइज़र लेके जाएँ अपने साथ में, और सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए पेपर दें, क्योंकि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिट कार्ड कैसा दिखता है। और एक और चीज़ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है तो गाइस शाम को हो सकता है कि आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी। भाई एक दिन का समय रह गया आपके पास, आज शाम और कल पूरा दिन, तो इन दो दिनों में आप किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखिए गाइस, एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जिसमें आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ब्रांच, ट्रेड कोड लिखा रहेगा। देखिए अब पहले नंबर पे सेकंड ईयर का, कि आपका सेकंड ईयर का ट्रेड का प्रैक्टिकल होगा 28 नवंबर को 9:30 बजे से स्टार्ट रहेगा। सेंटर का कोड दे रखा है जो कि आपके नॉर्मल कॉलेज का ही होगा। फिर सेकेंड ईयर का आपका एक और पेपर होगा पार्ट 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो वो होगा आपका 23 नवंबर को 2:30 बजे, और समय रहने वाला है दोपहर के 2:30 बजे समय, और वही सेंटर कॉलेज का रहने वाला है। अब बात करें वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी की, तो देखिए डेट, टाइम एंड एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी प्रोवाइडेड ऑन CBT एग्जाम हॉल टिकट, वो जब ऑनलाइन एग्जाम की टिकट आएगी तब प्रोवाइड किया जाएगा CBT पोर्टल के द्वारा। चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पे, डेट, टाइम एंड एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी प्रोवाइडेड ऑन CBT एग्जाम हॉल टिकट फ्रॉम CBT पोर्टल एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, और यहाँ आपको लोकल जो आपके ये एग्जाम का कोड दे रखा है वो आपके लोकल कॉलेज का कोड है, वो आपको मिल जाएगा, इजीली आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका, देखिए कुछ रूल्स भी बता रखे हैं कि प्लीज़ कंफर्म विद द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन हॉल कि भाई सेंटर यहीं है या नहीं है। आपको अपने साथ एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है एग्जाम हॉल के अंदर, यानी कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी हो लेके आना है। एग्जाम होने से पहले 45 मिनट पहले पहुँचना है। द डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मेंशन्ड अबव इज़ द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पहला दिन है। वैसे टोटल 3 दिन प्रैक्टिकल चलने वाले हैं। प्लीज़ गेट द एंटायर शेड्यूल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल 2 से 3 दिन भी चलते हैं। द QR कोड प्रोवाइडेड अबव कंटेन द एनकोडिंग ऑफ डेटा ऑन दिस टिकट हॉल, प्लीज़ डू नॉट टेम्पर फोल्ड, यानी कि जो देखिए यहाँ पे जो बार कोड दे रखा है ना आपको, इसको किसी भी तरह से क्षति नहीं होनी चाहिए। तो अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से पन्नी में लपेट के रखना है, आपको ध्यान रखना है। फॉर एनी अदर एरर इन हॉल टिकट प्लीज़ कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की समस्या है तो अपने संबंधित प्रिंसिपल से संपर्क करें। एनी करेक्शन ऑन दिस हॉल टिकट मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल, यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आपका प्रिंसिपल साइन करके इस समस्या को दूर कर सकता है। तो ये थी आपके एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और किसी भी बात की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।